तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले, आपने देख लिया होगा कि लोअर पीसीए 2019 की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का नोटिस जारी हो चुका है। कुछ ही समय पहले अपनी कम्युनिटी के माध्यम से बताया था, हालांकि कुछ अभ्यर्थियों को पता भी चल गया है कि मैंने तभी बता दिया था कि इतनी तारीख को जिसका जो वितरण समारोह होने वाला है। मगर हमारा मकसद ये भी रहेगा, हालांकि वो नोटिस जारी हुआ है वो भी दिखाएंगे, और मकसद ये भी है कि जो लगभग 672 इसमें पद थे, इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है लेखपाल की कि कट ऑफ पर कि नहीं पड़ेगा, तो इसमें आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अभी चेक कर सकते हो जाके, वीडियो में थोड़ी लेट बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया था, पहले बता दिया था कि 5 अप्रैल को होनी पूरी संभावना है, और यहां पर आप 5 अप्रैल देख सकते हो, ठीक है, 5 अप्रैल 11:30 बजे से। मगर इसमें 672 पद हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पता है एलडी ईडीए की भर्ती आई थी, उसमें 76 पद थे। तो आपको बता दूं, उसका भी बहुत जल्दी कार्यक्रम होने वाला है, मगर ये लोअर पीसीए 2019 वाले का है। तो सबसे आपको बता दूं, इससे 100% आपके कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने वाला है। आप देख रहे होगा, कोई और भर्ती हो तो बात अलग है, मगर यूपी की भर्ती है, पुरानी भर्ती है, जितने पुराने अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पैट दिया होगा उन्होंने। और उससे आपको बता दूं, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते कि इतने अभ्यर्थियों ने मतलब लेखपाल की परीक्षा दी हो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसकी लेखपाल की परीक्षा में बैठे होंगे। तो आपको बता दूं, इसका वितरण समारोह हो जाएगा, तो जो वैसे भी नहीं जाने वाले डीवी में, तो यहाँ से बहुत बड़ी खुशखबरी है लेखपाल के अभ्यर्थियों के लिए। इसी प्रकार से जो हम आपको बता रहे हैं, जो एलडी ईडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी पैट 2021, उसमें भी 76 पद है, उस पर भी उससे भी फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपनी राय प्रकट कर सकते हो कमेंट में कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मगर मैंने आपको बता दिया 672 पद इसमें और 76 पद इसमें, लगभग आप समझ सकते हो कि इतने पदों की संख्या हो गई, तो इससे कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कट ऑफ पर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो जो कुछ भी अपनी राय हो आप बता देना, मगर मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 5 अप्रैल को पूरी संभावना, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है कन्फर्म नहीं कर सकते, UPSC की आगे पीछे हो जाती है चीज़ें, तो इस हिसाब से संभावना शब्द यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो बस यही बताना था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जरूर कमेंट बताना क्या इस भर्ती से कुछ भी कट ऑफ पर फर्क देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद।